अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। दोस्तों आज मैं आप लोगों को MIUI 9 के बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि MIUI 9 फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुकी है और इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कौन कौन से डिवाइसेस में आएंगे और कितने तारीख से अपडेट्स आने शुरू होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सब बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले कि MIUI 9 में फीचर्स कौन कौन सा है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि फीचर्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, मल्टीटास्किंग अच्छी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर लॉन्च इवेंट में ज़्यादा फीचर्स को हाईलाइट नहीं किया गया है। तो कौन कौन से फीचर्स को हाईलाइट किया गया, तो सबसे पहला जो फीचर हाईलाइट किया गया वो यह है कि आपकी एप्लीकेशन की लोडिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। उन्होंने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे MIUI 9 में एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट जो है खुल रही है। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल किया है कि जो आप एप्लीकेशन फ्रंट में चलाएंगे उसे ज्यादा रैम मिले, उसे ज्यादा CPU मिले, और जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन से उसे कम रैम कम CPU मिले, जिससे आपकी जो एक्सपीरियंस हो वो और भी ज्यादा फास्ट हो। उसका जो मेन फीचर हाईलाइट की गई है दोस्तों वो है गैलरी की एक फीचर, जिसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट सर्च की फीचर। वैसे गैलरी की नहीं दोस्तों, उसे हर जगह हम लोग फीचर मान सकते हैं, लेकिन वो स्मार्ट सर्च की क्या फीचर है गैलरी में स्पेशली, तो यह फीचर है कि अगर मान लीजिए अगर आपने बहुत सारा फोटोज खींच करके रखा हुआ है और बहुत ज्यादा फोटोज हो गए और आप चाहते हैं कि किसी एक पर्सन का फोटो देखना, तो आप वो देख सकते हैं। आपको बस उसके फेस पे टैप करना है और उसके बाद उस पर्सन का जितना भी फोटोज होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। एक और स्मार्ट सर्च में ये मिल जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि स्माइल करते हुए सिर्फ फोटो निकले, तो वो एक्सप्रेशन के हिसाब से भी फोटो सर्च कर सकते हैं। तो इस फीचर को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया कि गैलरी जो और भी ज्यादा स्मार्ट बन गई है कि आप स्मार्टली सर्च कर सकते हैं, और स्मार्टली सर्च करने का मतलब यह है कि आप एक्सप्रेशन से सर्च कर सकते हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो सिर्फ हंसने वाला फोटो देख सकते हैं, सिर्फ रोने वाला फोटो देख सकते हैं, या फिर सिर्फ कुछ भी दोस्तों, मुंह खुला हुआ, मुंह बंद, आंखें बंद, तो इस तरह की एक्सप्रेशन की जो है फोटोज आप देख सकते हैं, और अलग अलग फेसेस से सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा फेस किसका है। ये सब तो हो गई दोस्तों कुछ छोटी सी चीज़ है। उसके बाद और भी ज़्यादा कुछ फीचर्स आए हैं, जैसे कि स्मार्ट ऐप लॉन्चिंग की, अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वक्त जो है आपके एप्लीकेशन में कोई दूसरे ऐप खोलने की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे जो है स्मार्ट ऐप लॉन्च होगा, यानी कि वो बताएगी कि आपको कौन सा एप्लीकेशन खोलना है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पूछेगा प्लीज सेंड मी योर लोकेशन, तो वो स्मार्ट ऐप लॉन्च जो है ऑटोमेटिकली आपको एक रिकमेंड कर देगा कि आप जो है मैप खोल लीजिए, क्योंकि वो आपका लोकेशन मांग रहे हैं। तो वहाँ पे आप नीचे में टैप करके मैप खोल पाएंगे और वो स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो ये सब कुछ फीचर्स थी दोस्तों। बाकी स्प्लिट स्क्रीन वगैरह आनी है, मल्टी विंडो जो आप बोल रहे हैं वो तो आनी ही है, उसके बाद आपको फास्ट हो जाना है, लाइट वेट हो जाना है, कुछ फीचर्स हटाए जाएंगे, लेकिन ज्यादा बात नहीं की गई है MIUI 9 के बारे में। तो MIUI 9 दोस्तों जल्दी ही आ जाएगी। अब कौन कौन से डिवाइसेस में आएगी MIUI 9, तो देखो सिंपल सा जवाब यही है कि सभी डिवाइसेस में आएगी है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि सभी डिवाइसेस में आएगी, Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi 3S, Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi 1, सभी डिवाइसेस में दोस्तों आएगी। आपको कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जिसमें नहीं आएगी। लेकिन कब आएगी, अगर आप पूछेंगे कब आएगी, तो सबसे पहला बीटा रोम में कब आएगी। देखिए सबको कह रहा था कि 26 तारीख को बीटा रोम में आ जाएगी, लेकिन मैंने कहा था आप लोगों को कि बीटा रोम में इतनी जल्दी हो सकता है नहीं आए, बैचेज में आएंगे धीरे धीरे करके। तो अभी जो है 26 तारीख के बाद अब अल्फा टेस्टिंग MIUI 9 की शुरू होगी और 11 तारीख को बीटा रोम में मिलेगी। कौन से डिवाइस में, तो 11 तारीख को सिर्फ अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ Redmi Note 4 में मिलेगी। जो इंडिया में Redmi Note 4 है दोस्तों, वो 11 तारीख को ग्लोबल बीटा रोम मिल जाएगी या फिर चाइना बीटा रोम मिल जाएगी। तो 11 अगस्त को जो है Redmi Note 4 में, और अगर आप चाइना से Mi 6 मंगवाए हैं तो Mi 6 में भी मिल जाएगी ग्लोबल बीटा रोम या चाइना बीटा रोम। तो 11 तारीख को Redmi Note 4 और Mi 6 में मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला बैच होगा 25 अगस्त को बाकी सब डिवाइसेस में मिलेंगे, और उसमें जो है Redmi Note 3 या Redmi 3S नहीं है, ये थोड़ी से सोचने वाली बात है। तो दोस्तों 25 अगस्त को भी तो आएगी, बहुत सारे डिवाइसेस में आएगी, लेकिन फिर आपको Redmi Note 3 वगैरह डिवाइसेस में आपको बाद में आएगी, सितंबर के लास्ट में आएगी। तो इतना समझ लीजिए कि जो बीटा की टेस्टिंग है दोस्तों, जो बीटा रोम है, वो आपको सितंबर के लास्ट तक सभी डिवाइसेस में मिल जाएगी, सितंबर के लास्ट तक सभी डिवाइसेस में मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे स्टेबल में कब मिलेगी, तो स्टेबल में दोस्तों आपको दिसंबर तक टाइम लग सकता है, तो दिसंबर का लास्ट तक लग सकता है टाइम, तो इसलिए दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो सितंबर के लास्ट तक आराम से रही, और सबसे बुरा लग रहा है मुझे Redmi Note 3 यूजर्स के लिए, उनकी क्या गलती है कि उनको बहुत ही देर से अपडेट दिया जा रहा है, सितंबर में अपडेट दिया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इंतजार कर लीजिए और ये जो अपडेट है वो अच्छी होगी। तो सिंपल सा जवाब यह है कि MIUI 9 अभी आया नहीं, तो अभी ज़्यादा कुछ फीचर्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन देखिए जो भी फीचर्स दिए गए काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए, और ग्लोबल रोम में अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़, कौन कौन से डिवाइस में आएगी, तो सारे डिवाइसेस में आएगी, और कब आएगी, तो 11 अगस्त को आएगी Redmi Note 4 में, बाकी अगले डिवाइसेस में 25 अगस्त को, फिर उसके बाद अगले डिवाइसेस में सितंबर में आएगी। दोस्तों मैं शाहरुख, और मुझे आज आप लोग को बताना था MIUI 9 से रिलेटेड कुछ बातें कि वो लॉन्च हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।